The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. क्या आप भी सोच रहे हैं कौन सा मास्क खरीदना है? राइट, एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, क्या मास्क लेना ज़रूरी है या सिर्फ कपड़ा बांध के चले जाए, गीला कपड़ा बांध के चले जाएं? देखिए, एक्चुअली में तो गीला कपड़ा काम तो करेगा, लेकिन क्या मास्क ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर प्रोफेशनल मास्क की बात करें तो बहुत सारे प्रकार के मास्क आते हैं और विंटर शुरू हो जाता है जैसे ही, तो इंडिया के अंदर दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के साइड में बहुत ज़्यादा एयर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। एम्बिएंट एयर रेजिडेंशियल साइट्स में और AQI जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, 500 का जो हाईएस्ट लिमिट है उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे पर्सपेक्टिव में जो मास्क है उसकी ज़रूरत एक्चुअली में पड़ जाती है, तो आपको एक एंटी पोल्यूशन मास्क पहनना ज़रूरी हो जाता है, जो ऐसे सिचुएशंस में आपको हमेशा अपने आसपास का AQI ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर आपके आसपास उस दिन का AQI ज़्यादा है तो आपको मास्क 300 से ज़्यादा AQI बहुत ज़रूरी है कि आपको मास्क पहनना। कायदे से तो 100 के नीचे, 100 के नीचे AQI तो बेस्ट है, वेरी वेरी हेल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, और 100 के ऊपर है तो फिर आपको मास्क पहन लेना चाहिए, खासकर अगर आप सेंसिटिव एज ग्रुप में आते हैं, आप ओल्ड हैं, थोड़े जो छोटे बच्चे हैं, बीमार हैं, अस्थमेटिक लोग हैं, उन लोगों को बहुत ज़रूरी है। सो मास्क एज के हिसाब से, नीड के हिसाब से भी ज़रूरी है। और आपको कुछ चीज़ें बहुत सिंपल सी समझनी है कि आपको कुछ पोल्यूटेंट्स के बारे में समझना ज़रूरी है कि भाई कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं। ऑब्वियसली व्हीकुलर एमिशंस होते हैं, क्रॉप्स बर्न किए जाते हैं, जलाए जाते हैं चीज़ें, राइट, फॉसिल फ्यूल्स और जो पेट्रोल डीजल जलता है उसके वजह से सारे इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट, इंडस्ट्रियल एमिशन, इंडस्ट्रियल से इतना धुआं निकलता है, उन सब से क्वालिटी ख़राब होती है और इसीलिए एयर पोल्यूशन मास्क ज़रूरी हो जाते हैं। एयर पोल्यूशन मास्क में हमने पार्टिकुलेट मैटर के बारे में एक वीडियो बनाया था, जैसे AQI के बारे में वीडियो बनाया था, वो वीडियोस पहले आपने देखने हैं समझने के लिए कि पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, AQI इंडेक्स क्या है, कितना होता है। तो AQI बाय डॉक्टर एजुकेशन या पार्टिकुलेट मैटर PM बाय डॉक्टर एजुकेशन, पार्टिकुलेट मैटर बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पर टाइप करेंगे, वीडियो देखिए मिल जाएगा, उसके बाद फिर ये देखिए। यहाँ पर मास्क का उद्देश्य होता है कि दोनों प्रकार के पार्टिकुलेट मैटर 10 और 2.5, PM 2.5, PM 10, दोनों को उन्होंने रोकना है। और जो हार्मफुल कंपाउंड्स हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, इन सबको उन्होंने रोकना है। सो मास्क भी कई प्रकार के आते हैं, N95, N99, R95, R99, P95, P99, और आपने बहुत कॉमनली जो देखा होगा सर्जिकल मास्क, सर्जिकल मास्क कई लोग लगा के घूमते हैं जो कॉमनली देखा जाता है। सो इन सारे में जो बेस्ट पोल्यूशन मास्क वो कौन सा है और जो के आपके शरीर को प्रोटेक्ट करेगा इन सारे पोल्यूशन और इस पीएम पार्टिकल मैटर्स से। सी, दिल्ली के अंदर या नॉर्दर्न इंडिया में जो AQI है वो 400, 600, 800, कई बार 1000, कई बार 2000 तक चला जाता है। जी हाँ, दिवाली की रात को बहुत ज़्यादा चला जाता है कई जगहों पे, राइट। सो इसीलिए आपको एक तरीके का गैस चेंबर वाले इलाके ऐसे बन जाते हैं, तो आपको कायदे से तो घर के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना, बाहर जाते हो तो मास्क पहन के जाना, ये बेसिक होता है उस टाइम पे। AQI चेक करने के बाद, AQI के लिए AQI वाला वीडियो देखना है आपने। सो राइट एंटी पोल्यूशन मास्क चूज करने का जो सिंपल सा फंडा है वो समझना है कि ये NRP होता क्या है। सी, N का मतलब है नॉट ऑयल रेजिस्टेंट, मतलब ये तरीके के जो मास्क है जिसमें N लिखा हुआ है ये आपको बचाएंगे सिर्फ एयरबॉर्न पोल्यूटेंट से, ऑयल रेजिस्टेंट नहीं है। R का मतलब है ऑयल रेजिस्टेंट, ऑयल रेजिस्टेंट मतलब ये एयरबॉर्न पार्टिकुलेट से भी बचाएंगे और ऑयल बेस्ड पोल्यूटेंट से भी कुछ हद तक बचाएंगे। एयर ऑयल रेजिस्टेंट, ऑयल बेस्ड जो के पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं बॉडी के अंदर, हवा के अंदर, तो वो भी अंदर जा सकते हैं ऑयल बेस्ड। और पी होते हैं ऑयल प्रूफ, ऑयल प्रूफ यानी ये एयरबॉर्न पार्टिकुलेट से भी बचाएंगे और ऑयल बेस्ड पोल्यूटेंट से भी
आपको बचाएंगे, क्योंकि ये ऑयल प्रूफ है, पी फॉर प्रूफ, आर फॉर रेजिस्टेंस, राइट, और नो फॉर नो ऑयल. सो ऑयल पार्टिसन, ऑयल पार्टिकल्स, ऑयल पोल्यूटेंट्स के बारे में यहाँ पर नाम दिया गया है. और 95, 99 और 100 का मतलब है कितने परसेंट तक पार्टिकुलेट मैटर्स को रोकता है. 95 मतलब, N95 मतलब 95% ऑफ पार्टिकुलेट PM 2.5 को वो रोक देगा. 99 का मतलब है कि 99% उसको रोक देगा 2.5 को. और 100 मतलब 100% 99.9% PM 2.5 पार्टिकल्स को वो रोक देगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई N99 सबसे ज़्यादा, N99 जो है वो आपका N95 से बेटर हुआ. 99 95 से बेटर है. और अगर आप सबको कंपेयर करेंगे तो जो P95 है वो सबसे बेहतर है, क्योंकि P95 वाला जो आता है वो ऑयल प्रूफ है कि नहीं. सो P95 ज़्यादा बेहतर हुआ इज अमंग मोर. अब इसमें जो है इजीली अवेलेबिलिटी वाली चीज़ों के बारे में भी बात आती है, बिकॉज सर्जिकल मास्क इजीली अवेलेबल हो जाता है यूजुअली, बहुत आसान से डॉक्टर्स पहने हुए दिख जाते हैं आपको हॉस्पिटल के अंदर. मगर ये बेसिकली मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए बनाए जाते हैं, ये पोल्यूशन रोकने के लिए नहीं बनाए जाते. ये हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के अंदर या हॉस्पिटल के क्लोज इन्वायरमेंट में सर्जिकली जो एयर कंट्रोल्ड एयर इलाके में वहाँ के लिए बनाए जाते हैं. तो इनका आपके बाहर रोड पे इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, रोड पे ये आपको नहीं बचा पाएंगे, इसके लिए देर इज़ कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा उसका. लेकिन हाँ, ऑब्वियसली मोटे मोटे पार्टिकल डस्ट उससे ज़रूर बचा लेंगे. तो कुछ नहीं से कुछ सही वाली बात आ जाती है. N95 वाला जो है मार्केट में अवेलेबल है, मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है, आप इसको जाके ले सकते हैं. N95 वाला मास्क जो है ये आपको कहीं भी 250 से ले से 600 रुपये तक का मिल जाता है अमेजोन पे, और बजट फ्रेंडली है, काम कर जाता है 95% तक. तो मिनिमम ये मास्क तो लेना ही है N95, फिर इस बाकी के सारे इससे ऊपर है. मिनिमम मिनिमम N95 वाला 250 से 600 रुपये वाला मास्क आप ले सकते हैं. फिर N99 जो है वो 99% तक आपको प्रोटेक्ट करता है एयरबॉर्न पार्टिकल PM 2.5 से. ये थोड़ा महंगा आता है, 1000 रुपीज़ तक के आसपास में आ जाता है. और फिर इसके ऊपर वाले जो आते हैं R95 R99 P95 वाले, वो भी धीरे धीरे महंगा होता जाता है, 3000 तक के आ जाते हैं, कोई ज़्यादा महंगा आता है. सो ऑब्वियसली ये थोड़े कॉस्ट बढ़ा देगा आपका, अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये ले सकते हैं. और अब आप क्या कर सकते हैं, बैठ के इवेल्युएट कर सकते हैं कि भी आपके एरिया में पोल्यूशन कितना है. पहले तो अगर AQI आपके एरिया में 300 से कम है, 100 से कम है, तो फिर तो मास्क की ज़रूरत ही नहीं है. और 300 से कम है तो माइनर छोटा मोटा मास्क या कपड़ा भी चल जाएगा, और गीला कपड़ा भी आप लगा, कुछ नहीं से कुछ सही तो चाहिए. वैसे पार्टिकल मैटर रोकने के लिए ज़रूर आपको N95 चाहिए होगा एटलीस्ट, तो वो आप ज़रूर ध्यान रखिए. और कुछ नहीं है तो एटलीस्ट कपड़ा तो रखिए, ऐसा नहीं कि खुली एयर ही बस ले जा रहे हैं, वो भी तो गलती है, ठीक है. और हाईएस्ट लेवल जैसे हमने बताया था 99 वाले 100 वाले वाले होते हैं. और वेरिएंट्स आपने ऐसे देखने जिसमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर लगा हो, ऐसा वाले भी आते हैं विद एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर. वो आपको बैड बैक्टीरिया वायरसेस ओडर गलत जो बदबू है उससे भी बचाएंगे. और P100 मास्क भी आता है अगर आपका बहुत हैवी ऑयल बेस्ड पोल्यूशंस हैं, जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया आसपास है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो धुआं निकालती हैं, तो ऑयल बेस्ड पोल्यूटेंट्स में P100 वाला मास्क लेना पड़ेगा, रात इम्पॉर्टेंट है. इसके बाद सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि मास्क कौन सा है, ये भी ज़रूरी है कि मास्क फिट सही से होना चाहिए. तो एक इम्पॉर्टेंट है कि वो आपके नाक से मुँह से चिन तक सारी जगह पर अच्छे से फिट हो, ये बहुत ज़रूरी है. अगर सही से फिट नहीं होगा तो दूसरी जगह से घुस जाएगी एयर, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके मास्क का. सो वेल फिटेड मास्क आपको लेना है ताकि एयर जो आप आ रहे हैं वो उसके अंदर से ही ब्रीद लें जब आप बाहर हैं. ऑब्वियसली घर के अंदर उसकी ज़रूरत नहीं है, बाहर ज़रूरत है तभी तो ले रहे हैं. और एडजस्टेबल स्ट्रैप वाला मास्क लेना है ताकि ये ना हो कि वो ढीला है और पुअर फिटिंग है. बच्चों के लिए अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एडजस्टेबल स्ट्रैप्स होना चाहिए. और किड फ्रेंडली मॉडल्स भी आते हैं किड्स के लिए, बच्चों के छोटे साइज के मास्क भी आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं. याद रखिए, ऑप्ट फॉर यूटिलिटी नॉट स्टाइल. स्टाइल मत देखो कि ये अच्छा दिख रहा है, इसका स्टाइल है, ये नहीं, उसका काम देखो. बिकॉज यहाँ पे ये टेम्पररी बेसिस पे है, ये कोई वो नहीं है कि आपने पहन के ही घूमना है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये आपका प्रोटेक्शन हो, हेल्थ को बचाना है, दिखाना नहीं है, दिखावे पे मत जाओ, राइट. सो मास्क को प्रॉपर फिट होना चाहिए और स्टाइल पे नहीं जाना है, राइट. एयर पोल्यूशन से बचने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है. और आप अपना
यूसेबल पैटर्न देखिए, राइट। एक्टिव पीपल जो है जो मॉर्निंग रन्स पे जाते हैं, राइट, जो जो फिर उन लोगों को हैवी ड्यूटी मास्क लेना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में एयर यू खींच रहे हैं अंदर, राइट, बहुत ज़्यादा। तो एयर लार्ज एयर इनटेक वेल्व्स होना चाहिए जो उस काइंड ऑफ मास्क उनको चाहिए, हैवी ड्यूटी मास्क टाइप्स ऑफ। और जो लोग मास्क यूज़ करते हैं लिमिटेड बाहर के एक्टिविटी के, वो लाइट या चीपर ऑप्शंस ले सकते हैं। इवन सर्जिकल मास्क जो है, राइट, वो भी कन्वीनियंस और पोर्टेबिलिटी के हिसाब से आप रख सकते हो अपने पास कि भाई हाँ कहीं भी जा रहे हैं सर्जिकल मास्क तो पेट भाई जेब में लेके घूम सकते हैं आप, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग विच यू कैन डू, बट देन ऑब्वियसली कुछ प्रोटेक्शन तो मिलेगा ही। लेकिन हाँ, उसकी क्वालिटी को आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। जो सर्जिकल स्टाइल मास्क होते हैं वो रीयूजेबल नहीं होते हैं, राइट, और इसीलिए आपको उसको रिप्लेस कर लेना चाहिए। एक बार यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं कि फिर जेब में रखा वही 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 यूज़ किया, ऐसा नहीं करना है। अवॉइड करो उसको, रीयूज़ करना, और उसको जब भी फेंक रहे हो तो आपने सही से उसको डिस्कार्ड करना है, ये नहीं कि कहीं भी फेंक दो, याद रखिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको एडिशनली चेक करते रहना चाहिए कि आपके एरिया में AQI कितना है। उसके लिए आप AQI वाला हमारा वीडियो देख सकते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स बाय डॉक्टर एजुकेशन, आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसके अलावा आपको अपने आप को भी बाहर से बचाना, जितना हो सके आप बाहर के इलाके में नहीं जाओगे तो ज़्यादा बेहतर है, जितना हो सके घर में इंडोर्स रहिए, जितना हो सके परिवार के साथ टाइम बिताइए, जितना हो सके घर में इंडोर एक्सरसाइजेस करिए। दिस इज़ वन फ्यू थिंग्स विच यू कैन डू ईजीली टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द यू नो बैड एयर आउटसाइड। बाकी सारे वीडियोज़ एयर पोल्यूशन वाले ज़रूर देखिएगा हमारे, एयर पोल्यूशन बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करके। इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करना है, तभी ये लाइक किए जाएंगे, तभी ये रिकमेंड किए जाएंगे दूसरों को, और जागरूकता बढ़ेगी कि कौन सा मास्क किस तरीके से क्यों लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच नीड्स टू बी डिस्कस, दैट्स वाई दिस वीडियो इज़ इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर टू सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।